हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज भाई और भाभी के एनिवर्सरी है तो हम सभी लोग वही जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। बाहर खाने जा रहे हैं, बस ईजान का वेट कर रहे हैं। ईजान कितनी देर हो गया है सोया है, अभी तक उठा ही नहीं है। मैं हो गया हूँ रेडी, फरा भी हो गए रेडी, बस ईजान का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही उठता है ना फिर हम जाते हैं। और हमारा जो किचन का क्लीनिंग था वो आधा हो गया है, कंटिन्यू करना था लेकिन बाकी भी दूसरे काम थे उस वजह से नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह हम आगे के व्लॉग में कंटिन्यू करते हैं, बट ये व्लॉग को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मतलब अभी जो हम सेलिब्रेट करेंगे ना वो आगे मैं आपको दिखा दूंगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा ईजान कैसे सोया है। लाइट के ना मेरे को ऐसा लगा उठ गया, लेकिन उठा नहीं है, वापस सो गया। बट अभी टाइम हो गया उसका उठने का, उठना चाहिए उसको फिर सो। आपको पता है गैस, उस दिन ना सिर्फ हम दोनों ने मिलके ये वाला क्लीन किया है, बाकी हमारे से कुछ हुआ नहीं। देखिए बाकी सब अच्छे से हमने रख दिया है। एक्चुअली उस टाइम ना टाइम बहुत हो गया था और रिजान सता रहा था ना, और बाकी के देखिए वहाँ के जितने भी डब्बे थे ना फराने सब फेंक दिया। मतलब जो हमारे मेड थे ना उनको दे दिए, जो कि यूज़ होता ही नहीं। ये वाला एक हो गया और उस टाइम ये वाला एक अच्छे से रख दिया है। अभी ये क्लीन करना है, ये क्लीन करना है। और ये देखिए डाइनिंग टेबल पे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लगती नहीं, ये क्लीन करना है, फ्रिज क्लीन करना है। इसके बाद हो गया यहाँ का। और ये देखिए ये हमारे घर में हमेशा रहता ही है। अभी 2 दिन से एक नई चिप लगाई है, हमेशा हम उसको, अभी तीसरी बार है, इससे पहले 2 बार इसमें फंसी है और हमने फेंका भी है, और अभी ये तीसरी बार देखे कहाँ से आते हैं पता ही नहीं चलता यार। इतने 2-3 बार अभी अभी चेंज होगी चिप लग, अभी फिर भी आते ही रहते हैं। सो गाइज, ये हो गई हूँ मैं रेडी। रेडी यानी कि मैं एकदम सिंपल एंड सोबर विद ऐसे ही जा रही हूँ। बुर्का भी एकदम सिंपल सा ही वेयर किया है तो उसके ऊपर ज़्यादा हैवी मेकअप अच्छा भी नहीं लगेगा, तो ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम कंफर्टेबल है। क्योंकि सिर्फ होटल में जाना है, खाना है और आना है। तो ये कुछ गिफ्ट है, मैं आप लोगों को एक बार बताती हूँ। और ये गिफ्ट है, ये मैंने पैक किया है, और ये भाई के लिए परफ्यूम है, मैजेस्टिक का है, ये एक दे रहे हैं। और भाभी के लिए ये कुछ पर्स एंड ऑल है, हाँ इसको गिफ्ट रैप करना है। ये हो गया, और ईजान भी उठ गया है, रेडी हो गया है अच्छे से। तो चलिए अभी निकलते हैं। सलाम करा ईजान तूने सबको, सलाम करो ना बेटा। गाइस, ईजान की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वालेकुम अस्सलाम। दुआ करना जल्दी से ईजान अच्छे से पहले जैसा खेल कूद करना लगे। क्या हुआ ईजान, निकल के दे दूँ ले ले। क्या हुआ? नहीं, उसका शूज़ का थोड़ा सा, नहीं शूज़ पहना है ना तो उसको गोद में लेने जैसा लगता ही है। और यहाँ पे हो रहा है हमारा गिफ्ट रैप। क्या हुआ ईजान, ईजान बाहर नहीं, इधर आ जाओ। क्या हुआ? हाँ इधर आ जाओ। तो ये हो गया हमारा गिफ्ट पैक। चलिए अभी लिखते हैं नाम और निकलते हैं, क्योंकि ईजान कहाँ गए? ईजान ये देखिए कहाँ है, कैसे रुका है देखिए आप। वो पापा को देख रहा है वो भाई। टॉम समीर पता था मुझे ये ऐसे ही लिखेंगे, फ्रॉम सैम फरा, क्योंकि हम जान। ये भाई के लिए मेरी तरफ से ही गई थी। और ये जो फरा भी लिख रहे हैं ना ये भाभी का है, ये फरा की तरफ से, बट नाम वो सैम फरा ही लिखेंगे। तो हम पहुंच गए, और ये देखिए ये एक पंजाबी ढाबा है जहाँ पे आज हम
अपना जो भाई भाभी का एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं, और हम भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे गए थे। अच्छा लग रहा था, अच्छी वाइब्स आ रही थी, अच्छा दिख रहा था। तो ये भाई को हमने दिया था परफ्यूम, उसको इतनी खाई थी कि वो घर जाने तक कभी वेट नहीं किया, वहीं पे ओपन करने लग गया। तो ये वाला दिए थे उसको, मैजेस्टिक का गोल्ड वाला परफ्यूम जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उसको पहले समझ रहा था ही नहीं मैं कैसे ओपन करूँ, फिर समीर ने बताया कि ऐसे ओपन करना है उसको, तो देखा उसको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। ऐसा खुशी होती है जब किसी को कोई चीज़ हम देते हैं और वो ऐसे खुशी से बोलते हैं, उसके चेहरे पे मुस्कान जो आई है ना थोड़ी सी, वही देख के समझ गई थी मैं कि चलिए इसको पसंद आ गया। चलो अच्छा है, अच्छा लगा उसको। फिर ये यहाँ पे तीनों बैठे थे, हम लोग यहाँ पे तीनों बैठे थे। भाभी ईज़ान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, जब भी कहीं पे बाहर मिलते हैं ईज़ान उनकी जान बन गया है अभी। अल्लाह करे ऐसी मोहब्बत रहे दोनों में हमेशा। ईज़ान भी अपने मामी को नहीं छोड़ता है बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पे हम आए थे, ये टिम लक लक इसका नाम था ये ढाबे का, बहुत ही अच्छा, मतलब होटल था ढाबा स्टाइल में और बहुत ही अच्छा था, पूरा पंजाबी खाना था। और भाभी के हाथ में ईज़ान था, वो उस पर ध्यान दे रहे थे, तो वो मुझे बोलने लगे कि दीदी आप ही ओपन करो ना, मुझे ओपन करने ही नहीं आ रहा। तो ठीक है चलो, मैंने उनकी हेल्प कर दी और उनको भी मैंने ओपन करके दिया। मैंने बोली अभी चलो इतना तो मैंने की, बाकी का आप करो। तो फिर ये उन्होंने ओपन किया और देखे और बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो, अच्छा लगा उनको भी। पर्स दिए उनको और परफ्यूम छोटा सा जो कि पर्स में हम कैरी कर सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखो, कितने खुश हो गए भाभी। फिर ये परफ्यूम दी और ये बाकी एक लिपस्टिक थी वो एक दे दी उनको। तो ये सब मैंने उनको दी। मेरे भाभी को ना ये बहुत पसंद है, ऐसे मेकअप की चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये खाना आ गया था, मैं शूट करना ही भूल गई इसके लिए, फिर जब थोड़ा बचा था तब ये मैं खा रही हूँ। सरसों का साग और मक्के की रोटी ये मंगाए थे हम लोग ने, क्योंकि यहाँ की स्पेशल डिश है वो। तो ये था और चिकन ग्रेवी थी। फिर ईज़ान अब्बा अम्मी को तो पता ही है, आप लोगों को छोड़ता नहीं है अब्बा, तो उसको लगते ही लगते हैं, सब जन भी रहेंगे ना तो उसको अब्बा ही चाहिए। और जब अब्बा अम्मी भाभी सब रहते हैं ना तो मेरी छुट्टी हो जाती है, मुझे ईज़ान से छुटकारा मिल जाता है। तो वो क्योंकि वो मेरे पास आता ही नहीं है, वो उन लोग के पास रहता है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा बहुत अच्छा सा ऐसा सीनेरिक मोमेंट था, बहुत अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें थी फ़ोटोशूट के लिए। तो वहाँ पे हम लोग फिर फ़ोटो निकालने लगे। फिर अब्बा को मैंने बोली कि अब्बा आप साइकिल पे बैठ जाओ और ऐसे प्रिटेंड करो कि आप ईज़ान और अम्मी को लेके जा रहे हो। फिर मैं ईज़ान को वहाँ पे लेकर जा रही थी, वहाँ पे एक छोटी सी स्लाइड थी जिस पे ऐसे बच्चे खेल सकते, तो वहाँ पे मैंने ईज़ान को लेकर गई। मैं बोली चलो ईज़ान वहाँ पे थोड़ा सा खेलेगा, तो ईज़ान को बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे, वो स्लाइड के ऊपर चढ़ रहा कर रहा, फिर वो स्लाइड पे चढ़ना भी सीख गया थोड़ी देर में। तो यही बहुत मज़ा आया। ये देखिए गाइस, ईज़ान जिद कर रहा था नीचे जाने के लिए, लेकिन मैंने उसको मना करा, तो कैसे वो चोरी से आके यहाँ पे कड़ी खोल रहा है नीचे जाने के लिए। वो बोल रहा है अगर तुम नहीं लेके गए ना मैं अकेला चला जाऊँगा। कड़ी हाँ नीचे जा रहा कड़ी खोल के, इतना बड़ा हुआ तू हाँ। आओ ईज़ान हो गए हमारे रेडी। ईज़ान अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो बहुत ही जल्दी रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान के लिए हमें लगती है अच्छी अच्छी डिशेस बनाना पड़ती है इफ्तार में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट में, जैसे कि घर का थोड़ा बहुत राशन भी ख़त्म हो गया है, तो मैंने सोची है ग्रॉसरी शॉपिंग कर लूँ अब रमज़ान की, फिर कैसा हो जाता है, क्योंकि इस साल से रोज़े इंशाल्लाह पूरे रखने हैं, क्योंकि अभी ईज़ान फीड भी नहीं करता है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं भी ओके हूँ, तो पूरे रोज़े रखने हैं, तो फिर रोज़े की हालत में नहीं होने वाला है घूमने के लिए। तो मैंने सोची कि अभी समीर को भी छुट्टी है आज सैटरडे संडे, फिर ये वीक में है, फिर नेक्स्ट वीक में नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग सोचे कि चलो जाकर ही आते हैं डी मार्ट। और ईज़ान की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, लेकिन दवाई लेकर आई हूँ ना तब से थोड़ा ठीक है। देखो ये ऐसे करता है ना, मेरा पूरा मेहनत पे पानी फेर देता है यार ये लड़का। क्यों बैठा है देखे गाड़ी पे और देख रहा मुझे, वाले भाई। मैं क्या बोल रही थी समीर, क्या बोल रहे थे, सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग करनी है या फिर सब कुछ ही
सब कुछ के लिए अभी ना बेबी उतना हमारा बजट नहीं है, मतलब मेरा बजट नहीं है। इतना पुत देखना बहुत पैसे वाले बनेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर बनेंगे जब मैं खर्चे कम करूंगी। हाँ पॉइंट की बात की इन्होंने अभी। जब आप भी खर्चे कम करेंगे, आपके भी कम क्या नहीं है खर्चे, आप भी बहुत सारी शॉपिंग। देखो डीमार्ट में अभी जा रहे हैं ना, है ना कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ये अपनी गलती एक्सेप्ट। मैं मेरी कुछ गलती रहती ही नहीं, ये बोलते हैं अगर मेरी कुछ गलती नहीं भी रही ना तो उस पर भी मैं एक्सेप्ट करूँगी। ये ऐसा है, ये लेडीज का ऐसा होता है घर के, हमारी कुछ गलती होती नहीं फिर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है ताकि वो जो चल रही होती है ना कन्वर्सेशन वहीं पे खत्म हो जाए। तो चले गए अभी भी देखना कितना बड़ा खर्चा ये करेंगे अभी वहाँ पे जाके। लेकिन घर से मैं इनको पहले ही बोल के जाता हूँ कि फरा इससे ज्यादा आप मत लो, लेकिन हमेशा उससे ज्यादा ही हो जाता है हमारा बिल। देखना तुम सबसे पहले तो तेल का बड़ा डब्बा लेने वाला है। हाँ नहीं ऐसा करने से क्या मैं आपको बोलूंगा, चलो नहीं आपको जो लेना है वो ले लो, चलो उठो। हाँ चलो चलो ये देखे चलो उठो जल्दी, चलो टाइम हो रहा है, उठो 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 उठो। कितने जल्दी मानते हैं ना यार, बहुत जल्दी मानते हैं मेरी वाइफ। इधर देखे अपनी गाड़ी पे बैठ गया और मैडम अभी यहीं से सोच रहे हैं कि क्या क्या लेना है। बरा बिस्किट लगते हैं रमज़ान में, ईजान को भी, ईजान भी रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह। है ना ईजान रोज़े रखोगे ना आप? मेरे नाम से बिल फाड़ते? नहीं 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 ले लो ले लो, चलो 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 ईजान के लिए ले लो और मेरे लिए भी ले लो। गुड डे ईजान खाता है, मैं हाइड एंड सीक खाता हूँ, आपको जो लेना है भी ले सकते हो। ईजान इतना बड़ा नहीं होता। चलिए ये देखिए गाइस ये ईजान को भी बस नहीं आएगा। ईजान इतना खाएगा तू, बड़ा लेंगे ना? हाँ वो ले लो, 99 चलेगा, कोई बात नहीं इसको रख दो। ये ईजान का सबसे फेवरेट बिस्किट है ये, हमने ये देखिए यहीं पे अभी पैसे काउंट करना भी शुरू हो गया इनका, 150 हो गए, 200 हो गए, चलो देखेंगे लास्ट में। हाँ टेंशन मत लो, मैं ही नहीं समझ, हर एक हाउसवाइफ ऐसे ही सोचती है। अच्छी बात है, सोचना चाहिए तुम लोग को पैसा उड़ाने से पहले हमारा। ये देखिए गाइस तेल के डब्बे से हमारी ट्रॉली भर गई, चलो फिर हो गया आज का। घर से बोल के आए थे ना ट्रॉली भरेंगे तो निकलेंगे, देखो हो गया, चलो छोड़ो। क्या ले रहे हो वहाँ से? देखिए गाइस इतना तो अभी हो गया है, पता नहीं अभी और कितना लेंगे। हाँ हाँ ईजान क्या चाहिए? ये बल्ब चाहिए? हाँ ईजान को बल्ब चाहिए। आज बहुत अच्छे से ईजान बैठा है, रो रहा नहीं है, वरना वो थोड़ी देर ही बैठता है उसके बाद रोना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए इसने अभी ना साबुन देखा कैसे जिद कर रहा है। हाँ और अभी तो गाइस सच में हमारी गाड़ी भर गई है, अभी तो जाना पड़ेगा। चलो चलो आगे से ले, आगे से ले, वहाँ से लेंगे। हाँ क्या चाहिए? तो चलिए गाइस ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, लेकिन स्टॉप करने से पहले दो लाइन कहना चाहता हूँ। अगर आपको सही लगे तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना या फिर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। शौहर की जिम्मेदारी ये होती है कि जो लड़की तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़कर आई है, आप उसको अपनी दुनिया में इज्जत की जगह दो, उसकी इज्जत करो, उसके काम की इज्जत करो, उसके वजूद की इज्जत करो, उसके सोच की इज्जत करो। वो क्या कहना चाहती है, वो क्या बोल पा रही है, या फिर वो जो नहीं बोल पा रही है उसको समझने की कोशिश करो। तो चले गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखना, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।